साथ में रोहित कुमार आप विश्व देख रहे हैं की, की, की गई की है आश्चर्य की बात की सूचना मिली कि यहाँ पर जो दवा है उसकी खरीद फरोख्त हो रही है और उसके बाद जब छापेमारी की गई तो सबके होश उड़ गया क्योंकि जो दवाएं वहां पर रखी गई थी वो सभी वो दवाएं थी जो की सरकारी अस्पतालों अस्पतालों के अंदर जो है वो बिका करती हैं ऐसे में इस पूरे मामले की अब जांच की बात कही जा रही है तस्वीरें आपके सामने हैं आपको बता दें कि पटना पिर के पिरवोहर थाना में ड्रग विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री को लेकर के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई जिसमें बताया जा रहा है कि जाँच टीम ने करीब पचास लाख की सरकारी दवाओं को जब्त किया है वो दवाएँ जो जब्त की गई हैं वो सभी एक बॉयज हॉस्टल से बरामद की गई हैं मामले में मिली जानकारी के अनुसार उक्त कार्रवाई पिरवोर थाना के बीएम दास रोड स्थित अभी अंजू निकेतन बॉयज हॉस्टल में की गई है इस दौरान हॉस्टल से लगभग बहत्तर बोरी दवाओं को जब्त किया गया है इन सभी दवाओं को पुलिस ने जब्त कर लिया है साथ ही हॉस्टल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है बताया जा रहा है कि फिर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि हॉस्टल में शराब पार्टी चल रही थी जिसके बाद पुलिस टीम वहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची लेकिन जब वहां जांच की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी दवा रखी हुई थी जिसके बाद ड्रग विभाग को सूचित किया गया और सभी सरकारी दवाओं को जब्त करने की कार्रवाई की गई जब्त तो दवाइयाँ लगभग पचास लाख की बताई जा रही हैं हॉस्टल में इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां कैसे पहुंची अभी इसकी जांच की जा रही है पुलिस का कहना है कि दवाओं को बाजार में बेचने के लिए यहाँ लाया गया होगा माना जा रहा है कि इन दवाओं की अवैध बिक्री में स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता भी हो सकती है जिसकी जाँच की जा रही है तो सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं मरीजों के लिए होती हैं वो दवाएं अस्पतालों में ना होकर के पटना के परभौर थाना इलाके के एक बॉयज हॉस्टल के में रखी हुई थी बोरिया में बोरियो में बंद थी उसमें एच आई वी एड्स से जांच किट्स से लेकर के तमाम दूसरी तरह की दवाएं थी कि जो कि जरूरी हैं और इसके बारे में खबरें सामने आती रही कई अस्पतालों में ये जांच नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास ये किट्स नहीं है ऐसे में सरकार जो है यानी कि स्वास्थ्य विभाग इन दवाओं की खरीद करता है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से और उन दवाओं को बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में लोग मरीजों को मुफ्त या फिर रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है लेकिन इन दवाओं की एक बड़ी खेप पटना के एक बॉयज़ हॉस्टल से बरामद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है पुलिस को शुरुआत में इस बात की सूचना मिली कि उस बॉयज़ हॉस्टल में शराब की पार्टी चल रही है जिसके बाद वहाँ पर छापेमारी के लिए जब टीम पहुँचती है तब तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शराब पार्टी के नाम पर जो सूचना मिली थी वहाँ पर तो लाखों के जो की जो दवा हैं वो वहाँ पर रखी हुई थी बोरियों में पैक करके जब उनको खोला गया उन बोरियों में क्या चीज़ें हैं तब देखा गया कि उस पर नॉट फॉर सेल जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो दवाएँ हैं मूल तौर पर बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए थी ऐसे में इन दवाओं की वहां पर होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं बड़ा बड़ी बात यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े अधिकारी के मिली भगत से इतनी बड़ी संख्या में दवाएं यहां पहुंच रही हैं क्योंकि जिस जगह पर ये ये छापेमारी की गई वहां से पटना का और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पी वहां से कुछ मीटर की दूरी पर है जाहिर तौर पर वहाँ पे दवाओं की डिलीवरी भी ज़्यादा होती होगी ऐसे में क्या दवाएं पी से वहाँ पहुंची हैं या फिर दूसरे किसी

अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की है लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है लेकिन जिस तरीके से छापेमारी हुई है जिस तरीके से वहां से दवाएं जब्त हुई हैं वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है आपको बता दें कि बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर में सरकार की तरफ से मुफ्त या रियायती दर पर जो दवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं मरीजों को ताकि जो गरीब मरीज हैं उनको दवाओं के लिए अधिक पैसे ना खर्च करने पड़े लेकिन ऐसी खबरें भी लगातार आती रही हैं बिहार से जब अस्पताल जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो दवा हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं और इसकी वजह से होता यह है कि इन दवाओं के नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनको बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं और इसकी वजह से न सिर्फ उनकी जी डी एफ ढीली होती है बल्कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत मरीजों के को लाभ देने की कोशिश की जाती है उनको वो उस लाभ से वो तमाम लोग वंचित रहते हैं तो जाहिर तौर तो पर पेबाहौल इलाके में बॉयज हॉस्टल से पचास लाख के आसपास में दवाओं के जब्त होने के, के साथ ही कई तरह के जो मामले हैं वो जो कई सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच की बात कहकर चुप भी साधे हुए हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार